मीडिया कभी किसी को नहीं बख्शता। आम से आम व्यक्ति से लेकर प्रसिद्ध व्यक्ति की कभी कभी ऐसी फजीहत करता है कि वो देखने लायक होती है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कई लोग खूब वायरल होते हैं, खूब ट्रोल होते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के CJI DY चंद्रचूड़ ने एक ऐसी घटना सुनाई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उनके साथ हुई एक घटना के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है, या कहें कि वो अब इतना ट्रोल हो रहे हैं कि उन्होंने अपनी खुद की आपबीती सुनाई है और उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी भी दी। अब सवाल यह है कि आखिर CJI चंद्रचूड़ के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बकायदा सोशल मीडिया पर इस तरह से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। क्या है उनका कहना, आइए बताते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, एक केस की सुनवाई के दौरान मुझे बैठने में कुछ दिक्कत होने की वजह से कुर्सी पर अपनी मुद्रा बदलनी पड़ी, जिसे लेकर मुझे सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जजों के पास काफी काम होता है और परिवार तथा अपनी देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पाने के कारण उन्हें उपयुक्त रूप से काम करने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, तनाव का प्रबंधन करना और कामकाज एवं जीवन के बीच संतुलन बनाने की क्षमता पूरी तरह से न्याय प्रदान करने से जुड़ी हुई है। दूसरों के घाव भरने से पहले आपको अपने घाव भरना सीखना चाहिए। यह बात जजों पर भी लागू होती है। बता दें कि CJI चंद्रचूड़ ने न्यायिक अधिकारियों के 21वें द्विवार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन करने के बाद अपने हाल ही में हुए इस अनुभव को लोगों से साझा किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक अहम सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया है, और किस चीज के लिए, केवल अपनी कुर्सी पर बैठे अपनी मुद्रा बदलने के लिए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें अहंकारी बना दिया, तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। अब सोचिए कि अगर मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो ऐसे मामले, या कहें कि बेवजह ट्रोल होने और करने के जो ये मामले हैं, अब कितने तेज हो चले हैं। फिलहाल अब DY चंद्रचूड़ के साथ हुई इस घटना पर, उनकी इस आपबीती पर, अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।